राजस्थान के जोधपुर में ईद के पहले वाली रात को भाजपा से जुड़े लोगों ने ईद के मौके पर लगाए गए झंडे और लाउडस्पीकर हटा दिए, जिसके बाद जालोरी गेट के पास मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग पहुंचे और पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। ईद की सुबह जब मुसलमान नमाज पढ़कर निकले तो चौराहे पर भगवा झंडे लगे हुए थे, इससे तनाव फिर शुरू हुआ और इस दौरान कई लोग घायल भी हुए। इस बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी शेयर किया जाने लगा। इसके साथ ही न्यूज़पेपर क्लिप भी शेयर की गई, जिसमें घायल पुलिसकर्मी की तस्वीर छपी है। दावा किया जा रहा है कि इस हिंसा में पुलिसकर्मी ने चोटिल होने का नाटक किया और ये वीडियो चोटिल पुलिसकर्मी की असलियत दिखाता है। कई फेसबुक पेजेस ने ये वीडियो इसी दावे के साथ पोस्ट किया, लेकिन वीडियो गौर से देखने पर पुलिसकर्मी की चोट साफ दिख रही है। इसके अलावा पुलिसकर्मी के हाथ पर खून भी दिख रहा है। जोधपुर पुलिस ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए बताया कि तस्वीर में दिख रहे पुलिसकर्मी का नाम ASI धनाराम है। उनके सिर पर हिंसा के दौरान चोट लगी थी। इस मामले में सरदारपुरा थाना में FIR भी दर्ज कराई गई है। सरदारपुरा थाना में संपर्क करने पर ऑल्ट न्यूज की बात ASI धनाराम से हुई। उन्होंने बताया कि उनकी ईद के दौरान ड्यूटी लगी थी और उस वक्त हिंसा के कारण उन्हें चोट लगी। उन्होंने चेहरे पर लगा खून रुमाल से साफ किया और बाद में सिर पर बांध दिया। इसके अलावा उन्होंने अपनी चोट की तस्वीर भी हमें भेजी। तो जैसा कि आपने देखा, सोशल मीडिया पर यह वीडियो गलत दावे के साथ शेयर किया गया कि जोधपुर में हुई हिंसा में पुलिसकर्मी ने घायल होने का नाटक किया, जबकि वीडियो में साफ तौर पर उनकी चोट नजर आती है।